जय हिंद दोस्तों। भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा होमगार्ड को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। अगर आप भारत के किसी भी राज्य से आते हैं और आपके जिले में भर्ती होने वाली है या होमगार्ड जवान आप बन गए हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है जो कि भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा। दोस्तों क्या है जानकारी, क्या है अपडेट, जानने के लिए वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें क्योंकि यहां पर जो भी जानकारी आपको दी जाती है बिल्कुल सही और सटीक। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सभी जानकारी को जानते हैं। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यह खबर जी न्यूज द्वारा दोस्तों प्रकाशित किया गया है जो कि होमगार्ड जवानों से हटेगा अब एयर टैग, सरकारी भर्तियों में मिलेगी प्राथमिकता, गृह मंत्रालय ने दिया निर्देश। दोस्तों आपको राजस्थान यहाँ पर जो लिखा है इससे घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यह दोस्तों राजस्थान के अभ्यर्थियों और होमगार्ड जवानों के लिए खबर नहीं है क्योंकि दोस्तों यहां पर जैसे ही नीचे आइएगा तो दोस्तों यहां पर दिया गया है राजस्थान होमगार्ड के जवानों को केंद्र ने बड़ी राहत दी है। अब गृह मंत्रालय ने सभी राज्य के सचिव यानी दोस्तों सभी राज्य के सचिव को संबंध में पत्र लिखा गया है। होमगार्ड स्वयंसेवक के उम्मीद बंधी है कि दरअसल पिछले दिनों गृह मंत्रालय DGCD के सलाह पर सरकारी सेवा में भर्ती होमगार्ड और सिविल डिफेंस स्वयंसेवक को वरीयता देने की जांच की गई। यानी दोस्तों यहां पर सभी राज्य के जो भी होमगार्ड अभ्यर्थी यानी होमगार्ड में जाने वाले हैं या दोस्तों होमगार्ड जवान हैं उन्हें अब प्राथमिकता भी मिलने वाली है क्योंकि दोस्तों जो यह होमगार्ड के जवान थे वह कोरोना काल में भी अपना ड्यूटी दोस्तों किए थे बहुत अच्छे ढंग से, जिससे दोस्तों गृह मंत्रालय ने खुश होकर यह सब कुछ आपको देने जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी देख सकते हैं आपदा हो या महामारी राहत और बचाव कार्य के लिए आगे रहने वाले कानून व्यवस्था या फिर भी समाज सुरक्षा जैसे हर मामले में प्रभावी भूमिका निभाने वाले होमगार्ड जवानों पर से अब पिछले का टैग हटाने की तैयार है। होमगार्ड स्वयंसेवक को काम को देखते हुए अब उन्हें सरकारी मकामों में होने वाली भर्तियों को प्राथमिकता मिलेगी। यानी दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी क्योंकि दोस्तों जो होमगार्ड के जवान है वह काफी दिनों से दोस्तों इस सब के लिए इंतजार भी कर रहे थे और दोस्तों दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन हुआ था जो कि होमगार्ड जवानों के तरफ से। तो दोस्तों यहाँ सब आप सभी का यह खुशखबरी मिलने जा रहा है। इनसे न केवल होमगार्ड को 12 महीने रोजगार मिलने का रास्ता खुलेगा बल्कि उनके लिए परिवार का पालन पोषण करने का आसान होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से राज्य के मुख्य सचिव को इस संबंध में पत्र लिखा है, इसके साथ ही इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। यानी दोस्तों यहाँ पर कर दी गई है यानी अब दोस्तों कार्रवाई भी शुरू हो चुका है। होमगार्ड नागरिक सुरक्षा स्वच्छता संगठन है जो सरकार के इशारे पर कानून और व्यवस्था का रख रखाव, आपातकाल के दौरान आवश्यक सेवाओं को सरकारी एजेंसी को बचाव और राहत कार्य में सहायता करता है। इस संगठन में आपको 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के स्वयंसेवक विभिन्न क्षेत्र से लिए गए हैं, अलग अलग विषयों में प्रशिक्षित और प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका भी निभा रहे हैं। यानी दोस्तों जो भी यहाँ पर होमगार्ड जवान है उन्हें दोस्तों अब बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है क्योंकि दोस्तों यहां पर अब जो राज्य के पुलिस होते हैं उसी प्रकार से आप सभी का सुविधा भी मिलने वाला है।